हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे लोफे सेंसर प्लाइस होने के बाद में तुरंत कट मारता है और इन्फॉर्मेटर में हाई कट दिखाता है। स्पिंडल पे प्लाइस होने के बाद में रन होते ही कट आता है और CY60 मैसेज दिखाता है। यह हम इन्फॉर्मेटर से रीसेट करेंगे। AWE टैटस में जाके स्पिंडल नंबर सिलेक्ट करके फिर कमांड ऑप्शन लेके फिर उसको सर्विस की या इंजीनियरिंग की देना है। जो इन्फॉर्मेटर में टाइम दिखा रहा है वह हिसाब से मिनट मिनट और हवर हवर दो दो बार दबाए और एंटर मारे। एंटर मारने के बाद में फिर 10 नंबर कमांड सिलेक्ट करके उसको एंटर कीजिए। इंटर करके वापस आने के बाद फिर डायमीटर बेस में जाके स्पिंडल नंबर जो है उसको सिलेक्ट करके डायमीटर बेस वोल्टेज चेक करें। डायमीटर वोल्टेज कम ज़्यादा होने से भी कट बहुत आते हैं, तो आजू बाजू के जो कम कट वाले स्पिंडल है उसका जितना वोल्टेज है वह सेट करें। फिर सेट करने के बाद में इंटर मारें। इंटर मारने के बाद और फिर स्पिंडल एडजस्ट करें। एडजस्ट करने के बाद या तो बिगेन आएगा या स्टार्ट आएगा, उसको एंटर मारें। उसको एंटर करने के बाद फिर स्पिंडल ऑन करें। ऑन करने के बाद में एडजस्ट आएगा। एडजस्ट दो तीन बार करेगा उसके बाद में स्पिंडल रन हो जाएगा। अगर यह भी करने से लोफे कट मारता है तो फिर लोफे सेंसर पूरा खोल के क्लीनिंग करें और यह प्रोसीजर दोबारा करें तो कट मारना बंद हो जाएगा। अगर नहीं बंद होता है तो फिर लोफे सेंसर या लोफे कार्ड चेंज करके देख ले, पर यह करने से 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो या सब्सक्राइब करो।